हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिविकास किचन। ये देखिए बने हैं ना कितने स्पॉन्जी एंड कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन। इस गुलाब जामुन को बनाने में हमने खोए का यूज़ नहीं किया है, बस चार इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो हमें हमारी रसोई में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए आज शिविकास किचन में सीखते हैं इन चार इंग्रेडिएंट्स से यूज़ करके इतने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनाना। तो चलिए सीखते हैं गुलाब जामुन। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हम यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ करेंगे, हम ब्राउन ब्रेड यूज़ नहीं करेंगे। वाइट ब्रेड के गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क, मिल्क की क्वांटिटी हम बाद में आटा बनाते टाइम एडजस्ट करेंगे। 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पिस्ता और किशमिश यूज़ किए हैं, यही अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन में। फ्राई करने के लिए घी, हम यहाँ चाशनी बनाने के लिए 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी का यूज़ करेंगे और 1/2 चम्मच हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ब्रेड पीसेस के किनारों को काटकर अलग करेंगे और उसका सेंटर का सॉफ्ट पोर्शन अलग रखेंगे। ये किनारे हमें काट के साइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़े रफ़ एंड हार्ड होते हैं, इससे हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो रफ़ और हार्ड बनेंगे, इसलिए हम इसके किनारों को काट के अलग कर लें। बट ये किनारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे, हम इसके ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। ये देखिए सारे ब्रेड पीसेस जो हैं वो अच्छे से क्लीन हो गए हैं एंड सेंटर का सॉफ्ट पोर्शन हमारे पास आ गया है। इन ब्रेड के कॉर्नर्स को हम मिक्सी में ग्राइंड करके इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे और बाकी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। हमने जो सेंटर का वाइट पोर्शन तैयार किया था उसे एक मिक्सी में डाल के उसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्मूथ एंड फाइन पाउडर बन गया है हमारे ब्रेड का। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो गुलाब जामुन में इलायची पाउडर बाद में ऐड करते हैं, बट आटे में उसको ऐड करने से उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 कप मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाथों से हम थोड़ा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका एक डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो जो है वो बिल्कुल वैसा तैयार करना है जैसा हम अपनी रोटियों के लिए डो तैयार करते हैं। ये देखिए आधा कप दूध ख़त्म हो गया है, तो मुझे थोड़ा और दूध ऐड करके इसका आटा बनाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा आटा बन गया है। हम इसे थोड़ा सा और नीड कर लेते हैं। देखिए हाथों से रोल करते हुए इसे हम थोड़ा सा और नीड कर लेते हैं। बहुत अच्छा आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए एक पेड़ी हाथ में लेंगे, उसे रोल करेंगे और अंगूठे से दबाते हुए हम एक कटोरी की शेप देंगे। कटोरी की शेप देने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, 1 किशमिश 1 पिस्ता ऐड करके हम किनारों को जोड़ देंगे और फिर इसे हाथों में रोल करके इसका एक सॉफ्ट सा पेड़ा बना लेंगे। इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए इसमें अभी थोड़े क्रैक्स हैं, जिससे क्या होगा जब हम इसे फ्राई करेंगे ये फट जाएगा या इसमें ऑयल भर जाएगा, तो हम इसे थोड़ी देर और हाथों में अच्छे से रोल करेंगे ताकि सारे क्रैक्स भर जाएं। देखिए कितना स्मूथ पेड़ा बन गया है। इसी तरीके से हम अपने बाकी के गुलाब जामुन बना के रेडी करेंगे। बिल्कुल स्मूथ पेड़ी बननी चाहिए। मैंने यहाँ 8 पीस ब्रेड लिए थे। 8 पीस ब्रेड में मेरे 17 गुलाब जामुन बनके रेडी हुए हैं। आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ 1/2 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। 1/2 कप चीनी में हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब हम इसमें 4 साबुत इलायची ऐड करेंगे। इलायची ऐड करने से बहुत अच्छा अरोमा, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हम एक स्पैटुला की हेल्प से चीनी को हिलाएंगे, वरना चीनी नीचे चिपक जाएगी। इसे 5 से 10 मिनट पकाने के बाद हम इसका चेक कर लेते हैं। हम एक फिंगर की हेल्प से चेक करते हैं। ये देखिए एक तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है, यानी हमारी परफेक्ट चाशनी बन गई है। चलिए अब अपने गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में घी लेंगे और उसे हीट कर लेंगे।
हीट होने पे हम उसका फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके गुलाब जामुन ऐड करेंगे और उसे बहुत जेंटली हम हिलाते हुए फ्राई करेंगे। देखिए एक स्पैटुला की हेल्प से हमें उसे बहुत जेंटली हिलाना है। इसे हम लो से मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनके तैयार होने वाले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम अपने बाकी के गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हम सबसे पहले चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और उसमें सारे गुलाब जामुन ऐड करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में हमारे स्पॉन्जी बढ़िया रसीले गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाओ देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी, कितना अच्छा गुलाब जामुन बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस गुलाब जामुन को आप 5 से 6 दिन के लिए भी स्टोर करके बहुत आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं।